वहीं रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने शौचालयों की खस्ता हालत होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वहां से गुजरने में भी लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि शौचालयों में पानी की सुविधा ही नहीं है, जिसके कारण गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है और इसी के चलते मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम और प्रशासन के द्वारा भी शौचालयों की सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर रामबन के नगर निगम कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शर्मा ने मीडिया से बात की और कहा कि जल्द ही शौचालयों की साफ सफाई और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी, लोगों की जो पानी की समस्या है उसको भी जल्द दूर कर दिया जाएगा। प्रशासन देखो सर, ऐसी बात है कि प्रशासन जहाँ तक ये स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चलाया मोदी जी ने, वो तो सरासर मुझे खाली ऐसे दिखलावा लगता है। अगर वो सही में होता तो यहाँ रामबन का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे ज़रूर इसकी देखभाल होती, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वह जहाँ पानी है वो पाइप टूट गई है, पीएचयू वालों से रिक्वेस्ट की हमने कि वहाँ पानी प्रोवाइड कीजिए ताकि सफाई लगातार हो जाएगी। वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम पड़ रही है हमें, उधर हमें पानी मिल जाएगा तो हम वहाँ पर सफाई लगातार कर, हम प्यास कर रहे हैं उसके लिए।